नीलम सुबह सुबह उठती है, सुबह उठने के बाद वो अपने आप को बहुत ही खुश महसूस कर रही थी। वो उठने के बाद नहाती धोती है, अपने कपड़े पहनती है, और जैसे ही वो कपड़े पहन रही थी वैसे ही उसकी माँ बाहर से आवाज लगाती है कि अरे नीलम बेटा, अभी कितनी देर लगेगी, मेहमान लोग आने वाले होंगे। दरअसल आज किसी और की नहीं बल्कि नीलम की, उसे शहर के एक 5-स्टार होटल में आज नीलम की मंगनी थी। जैसे ही वो अपनी माता की बातों को सुनती है वो सीधे बालकनी में आके कहती है, बस मम्मी ज्यादा देर नहीं, 5 मिनट और लगेगा। और 5 मिनट बाद नीचे अपने माँ और परिवार वालों के साथ वो सीधा उस होटल में पहुंच जाती है जहां पे पूरा मंगनी का प्रोग्राम रखा गया था। इतने के बाद होटल के उस स्थान पर पूरा परिवार नीलम सहित जाता है और नीलम देखती है कि जहां पर होटल में उसकी मंगनी तय हुई है उस स्थान पर फूल माला और बहुत सारी सजावटें की गई है। परिवार अब रिश्तेदार दोस्तों के आने का इंतजार करने लगता है और धीरे धीरे करके एक एक नात रिश्तेदार आने लगे थे और रिश्तेदारों में कोई हल्के फुल्के रिश्तेदार नहीं आ रहे थे, सब एक से एक VIP आ रहे थे। दरअसल नीलम के पिताजी रिटायर्ड जज थे और नीलम का जो भाई था वो पुलिस विभाग में एक बहुत बड़ा अधिकारी था। नीलम और नीलम के पिताजी उन दोस्तों रिश्तेदारों की आवाभगत के लिए तैयार रहते हैं। नीलम का पूरा परिवार जुटा होता है। धीरे धीरे वो समय भी आ जाता है जिस समय पे मंगनी होनी थी, लेकिन अभी जो लड़का था मंगनी वाला, यानी कि जो नीलम का पति बनने वाला था, इसका नाम विकास था। विकास ना अभी तक होटल पहुंचा था और ना विकास के घर वाले ही होटल तक पहुंचे थे और ना विकास की तरफ से कोई एक शख्स ऐसा पहुंचा था होटल में जिससे ये लगता कि हाँ वो लोग भी अब धीरे धीरे आ ही रहे हैं। धीरे धीरे वो समय गुजरने लगता है। नीलम के पिताजी और नीलम के भाई की दोनों की धड़कनें तेज हो जाती हैं। वो सीधा नीलम के पास पहुंचते हैं और नीलम से कहते हैं कि नीलम एक बार विकास को फोन करो, वो लोग कहाँ पहुंचे हैं, बहुत देर हो रही है। अपने होने वाले पति विकास को फोन मिलाती है और कहती है कि अरे तुम लोग कहाँ रह गए, इतनी देर हो गई। तैसे ही विकास कहता है कि बस मुझे होटल पहुँचने में 10-15 मिनट मात्र लगेगा, मैं होटल पहुँच ही रहा हूँ। अब नीलम फोन काट देती है और अपने भाई और अपने पिता से कहती है कि पिताजी अब ज़्यादा समय नहीं लगेगा, बस 10 मिनट के अंदर वो लोग आ जाएंगे। अब सब लोग उनका इंतजार करने लगते हैं कि वो लोग कब आएं और कब आगे का कार्यक्रम बढ़ाया जाए। अब नीलम विकास के बारे में सोच रही थी कि कहीं विकास को मेरे बारे में कुछ पता तो नहीं चल गया, ये सब सोचकर हैरान परेशान थी। अचानक उसके फोन पर घंटी बजती है और वो जैसे ही अपना फोन निकालती है उसके चेहरे पर हवाइयाँ तैर जाती हैं, उसका चेहरा एक बैग टमटमा जाता है, उसका चेहरा एक बैग लाल पड़ जाता है। अब उसकी सहेली पूछती है कि अरे नीलम क्या हुआ, तुम्हारा चेहरा ऐसे लाल क्यों हो गया, तुम तो बड़ी डरी सहमी हो। और कुछ ही देर बाद दोबारा फिर से उसी नंबर से फोन बजता है। अब की बार नीलम फोन रिसीव करती है और नीलम से कहा जाता है कि मैं मोहित बोल रहा हूँ, आज ही मैं जेल से छूट कर आया हूँ और मुझे 3 साल की जेल हुई थी। सुना है कि तुम्हारी मंगनी हो रही है आज होटल में। वो कहती है कि हाँ मेरी मंगनी हो रही है, तुम्हें कोई दिक्कत और परेशानी हो तो बता दो, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम मेरी जिंदगी से चले जाओ, तुम मेरी जिंदगी को हमेशा के लिए आज़ाद कर दो, तुम अपने रास्ते हो जाओ, मैं अपने रास्ते हो जाऊं, लेकिन तुम नहीं माने और तुम्हें इतना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा और तुम आज 3 साल की सजा काट के आ रहे हो, बेहतर यही है कि तुम यहाँ से चले जाओ। तो वो कहता है कि तुम्हारी बेहतरी इसी में है, तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा नीलम कि तुम होटल के बाहर जो गेट है मैं वहां तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं और तुम सीधा होटल से अंदर निकलकर मात्र 5 मिनट के लिए आ जाओ, नहीं तो अगर मैं अंदर आ गया तो बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। नीलम पहले सोचती है छोड़ो क्या मिलना, लेकिन कुछ देर बाद बहुत कुछ आगे पीछे सोचने के बाद अंततः उस गेट की तरफ चली जाती है जहां पे मोहित उसका इंतजार कर रहा था। और बात जैसे ही गेट पर पहुंचती है मोहित से कहती है कि बोलो मोहित तुम मुझसे मिलने किस लिए आए हो। मोहित उससे कहता है कि नीलम मैं तुम्हें आज भी उतना प्यार करता हूँ जितना मैं तुम्हें पहले करता था, तुम्हारी वजह से मेरी पूरी जिंदगी सत्यानाश हो गई, मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई, न मैं घर का रहा न द्वार का रहा, मेरा सब कुछ बिगड़ चुका है। आखिर जब तुम मुझसे प्यार करती थी तुम्ही ने मुझसे कहा था कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं किसी से शादी नहीं करूँगी, तो ये सब तुम क्यों कर रही हो, ये सब तुम काहे कर रही हो, तो फिर तुम आज किसी दूसरे से शादी क्यों कर रही हो।
वो कहती है कि मैं पहले ही बता दिया था कि मैं अपनी मर्जी की मालिक हूँ और जो मेरा मन करेगा वो करूंगी। अब मैं विकास से शादी करने जा रही हूँ, तो मेरी जिंदगी से दूर चले जाओ, यहाँ से चले जाओ, नहीं तो एक बार मैं अपने भैया और अपने पिताजी को अगर और बता दूंगी ना तो तुम्हारी सामत आ जाएगी और फिर अब की बार तुम आजीवन कारावास तुम्हें होके ही रहेगा, तुम आजीवन के लिए उसी अपनी पूरी जिंदगी गुजारोगे। इतना कहकर नीलम मोहित के पास से सीधा होटल में चली आती है जहां पर उसका सब इंतजार कर रहे थे। उसके भाई और पिताजी पूछते हैं कि तुम कहां चली गई थी, तुम इतना देर हो गया आई नहीं। तो वो कहती है दरअसल मैं वॉशरूम गई थी। ले क्षण ही उसके पिताजी उससे कहते हैं अब पूछो विकास कहां पहुंचा। वो तुरंत विकास को फोन करती है। विकास कहता है कि हम लोग होटल के गेट पर पहुंच चुके हैं, लेकिन ये क्या था। जैसे ही विकास अंदर घुसता है तो उसके साथ एक डॉक्टर होते हैं जिनका नाम होता है डॉक्टर डिसिल्वा। जैसे ही ये दोनों अंदर आते हैं विकास और डॉक्टर डिसिल्वा, नीलम की निगाहें जैसे विकास और डॉक्टर डिसिल्वा के ऊपर पड़ती है और नीलम डॉक्टर डिसिल्वा को देखते हुए कुछ समझ नहीं पाती है कि आखिर विकास डॉक्टर डिसिल्वा को अपने साथ लेकर क्यों आया है और विकास के पूरे परिवार वाले आज क्यों नहीं आए हैं, सिर्फ ये दो लोग ही यहाँ पर मंगनी करने क्यों आए हैं। दोस्तों आखिर क्या थी पूरी कहानी, आखिर विकास एक डॉक्टर को लेकर अपने साथ मंगनी में क्यों आया था, फिर विकास के पूरे परिवार वाले इस मंगनी समारोह में क्यों नहीं आए थे, आखिर कौन था मोहित जो 3 साल बाद जेल से छूट कर आया था, काश मोहित और डॉक्टर डिसिल्वा का आपस में क्या संबंध था। पूरी कहानी बहुत ही रोचक होने वाली है दोस्तों। आज की जो पूरी कहानी है ये कहानी बहुत ही मार्मिक और बहुत ही सोचनीय है। कहानी के आखिरी में मैं उन लोगों के नाम लूंगा जिन लोगों ने पिछली वीडियो पर हमें कमेंट किया था और अपना सपोर्ट किया था। काफी कहानी है वो पूरी तरीके से एक सामाजिक कहानी है, यानी कि आखिरी में कहानी से ही आपको एक सीख मिलेगी। तो दोस्तों कहानी को छोड़कर मत जाइएगा, मात्र चंद मिनट के अंदर मैं पूरी कहानी आप तक पहुंचाऊंगा। कहानी में आखिरी तक बने रहिएगा। कहानी अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, और अगर आपको लगता हो कि कहानी अच्छी थी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हर प्रणाम आदाब शास्त्रीय काल, क्या हालचाल, उम्मीद है दोस्तों आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। बिना आपका समय गवाए कहानी को फिर से चालू करते हैं। आज की कहानी की शुरुआत होती है नीलम के कॉलेज के दिनों से। जैसा कि मैंने कहानी में आपको पहले ही बताया कि नीलम के जो पिताजी थे वो एक रिटायर्ड जज थे और जो भाई था वो पुलिस विभाग में एक बड़ा अधिकारी था। नीलम बीटेक की छात्रा थी, जिस कॉलेज में वो पढ़ रही थी कि उसका बीटेक प्रथम वर्ष में एडमिशन होता है और वो पढ़ने जाती है तो वो देखती है कि कॉलेज में बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो हमेशा उसके पीछे पड़े रहते हैं। नीलम ऐसी थी जो किसी लड़के को कोई भाव नहीं दिया करती थी, ना ही किसी लड़के को कुछ कहा करती थी, ना किसी लड़के से कोई बातें करती थी, ना किसी लड़के के प्रति उसका ध्यान ही जाता था। अब जब एडमिशन हो जाता है, धीरे धीरे समय आता है, बीटेक की प्रथम साल की पढ़ाई शुरू हो जाती है और क्लासेज स्कूल में जारी हो जाती हैं। अब नीलम लगातार अपनी क्लास करने के लिए अपने घर से, उसके माता पिता ने उसे एक गाड़ी दी थी, एक ड्राइवर दिया था, वो अपनी कार से अपने स्कूल जाती थी पढ़ाई करने के लिए। अब क्लास के दौरान ही नीलम देखती है कि एक लड़का उनकी क्लास में है जिसका नाम मोहित है। मोहित बहुत ही हट्टा कट्टा सुडौल बॉडी का और देखने में बहुत सुंदर है और हजार लड़कों में एक लड़का दिखता था जैसे कि हीरा। जैसे ही नीलम की नज़र मोहित के ऊपर पड़ती है तो वो देखती है कि उसके कॉलेज और स्कूल की बहुत सारी लड़कियां हमेशा मोहित से बात किया करती हैं, मोहित के बारे में भी सोचने लगती है। सोचते सोचते वो अचानक एक दिन मोहित से क्लास में ही बातें करने लगती है। फिर एक दिन नीलम मोहित से कहती है कि मोहित हम क्लास में बातें करते हैं तो बहुत लोग हम लोगों की बदनामी करते हैं, क्यों ना हम चल के किसी होटल में बात करें। मोहित भी कहता हाँ तुम्हारा भी कहना ठीक है, तुम सही कह रही हो, यहाँ पे फर्जी में लोग एक दूसरे के ऊपर उंगलियां उठाते हैं, हम लोग किसी होटल में मिलते हैं। और अगले ही दिन मोहित और नीलम एक होटल में जाते हैं, वहाँ कॉफ़ी का आर्डर करते हैं। कॉफ़ी जैसे ही आती है दोनों आपस में पीते हैं और बातचीत करते हैं। दरअसल मोहित एक मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का था, उसे मात्र घर से 50 रुपया मिलता था खर्चे के लिए, उसी में उसे कॉलेज से घर भी आना है और जाना भी है, तो
तो मोहित की जो सोच थी वो इस सोच थी कि मैं कभी किसी लड़की के बारे में नहीं सोचूंगा और ना ही लड़की के बारे में पढ़ूंगा, मुझे मेरे माँ बाप ने यहाँ पर पढ़ने के लिए भेजा है, सिर्फ पढ़ाई से ही वास्ता रखूंगा। नीलम उसके पीछे पड़ी थी। मोहित अब धीरे धीरे रास्ता भटकने लगा था। होटल में ही काफी पीते पीते दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं। काफी पी के जैसे ही नीलम और मोहित वहां से उठते हैं तो नीलम मोहित से कहती है कि मोहित तुमसे मैं एक बात कहना चाहती हूँ लेकिन मैं बहुत शर्म के मारे कह नहीं पा रही हूँ। तो वो कहता है कि नहीं नहीं नीलम, ऐसी क्या बात है, हम तो दोस्त हैं, तुम कह सकती हो। तो वो कहती है कि नहीं मोहित, तुम बुरा मान जाओगे और तुम्हारे वजह से मेरी जिंदगी बहुत हैरान हो गई है। अब मोहित नीलम से कहता है कि नीलम बताओ ना क्या हुआ, क्या परेशानी है, मैंने तुम्हारी जिंदगी कैसे परेशान कर रखी है। तो वो कहती है कि मोहित जब से मैंने तुम्हें देखा है तुम मेरे रात के सपनों में आने लगे हो, मेरी रात की नींदें पूरी तरीके से हराम हो चुकी हैं। दिन हो या रात हो, खाते हो या पीते हो, सोते हो या जगते हो, हमेशा तुम मेरे ख्यालों में ही आते रहते हो। अब मोहित कुछ देर चुप रहता है, उसके बाद नीलम से कहता है, नीलम दरअसल इधर भी कुछ ऐसा ही है। दोनों एक दूसरे से गले मिल जाते हैं और फिर एक दूसरे से लगातार मिलते रहते हैं। एक दिन नीलम मोहित से कहती है कि मोहित बहुत दिन हो गया हम एक दूसरे से मिल रहे हैं, क्यों ना हम एक दूसरे के करीब आएं और एक वादा करें कि हम हमेशा के लिए एक दूसरे के हो जाएं। तब मोहित कहता है कि देखो मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का हूं और तुम एक बड़े खानदान की, एक अमीर खानदान की लड़की हो, तो ऐसे में हमारा मेल संभव नहीं है। कहती है पागल हो तुम, मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ, दिल से प्यार करती हूँ, तुम चाहे जो भी कहो लेकिन मैं पूरी जिंदगी आखिरी सांस तक ही तुम्हारी रहूंगी और तुम्हारी ही बनकर रहना चाहती हूँ। तुम ऐसा मत सोचो, हमारी दोनों की शादी होगी और हम अपने भाई और अपने पिताजी से इस बारे में बात कर लेंगे, तुम टेंशन मत लो। ऐसा है कल हमें चलना है अपनी एक फ्रेंड के यहाँ। कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, हम कल चलेंगे तुम्हारे फ्रेंड के यहाँ। और अगले दिन सुबह का दोनों इंतजार करते हैं और अगले दिन सुबह जैसे ही आती है मोहित और नीलम एक दूसरे से मिलते हैं और नीलम अपने एक सहेली के यहाँ उसको लेकर जाती है। सहेली के पिता और माता जो थे वो सर्विसमैन थे, अपनी नौकरी पर चले गए थे, सहेली घर पर अकेली थी। नीलम और मोहित को एक कमरे की चाबी पकड़ाती है, दोनों एक कमरे में जाते हैं, कमरा अंदर से बंद होता है। दो घंटे बाद वो दोनों कमरे से निकलते हैं और सहेली को चाबी पकड़ा के नीलम वापस अपने घर को चली जाती है और मोहित अपने घर को चला जाता है। ये सिलसिला एक दिन का नहीं था। अब जैसे जैसे धीरे धीरे समय गुजर रही थी वैसे वैसे उनका मिलना रोज का हो गया था। जब भी उन्हें स्कूल से छुट्टी मिलती वो दो तीन घंटे के लिए अपने सहेली के यहाँ चले जाते और रोज ही दोनों एक दूसरे से मिलते थे। लेकिन समय धीरे धीरे गुजरने लगा, समय कब पंख लगाकर उड़ गया ये दोनों को आभास नहीं था। धीरे धीरे अब दोनों का एक दूसरे के साथ रहते हुए एक वर्ष पूरा हो चुका था। दिन से नीलम स्कूल नहीं आ रही थी और मोहित बहुत हैरान परेशान कि आखिर नीलम स्कूल क्यों नहीं आ रही है। अब फिर जब एक दिन नीलम स्कूल आती है तो मोहित उससे पूछता है कि नीलम क्या हुआ, तुम स्कूल नहीं आ रही थी। तो नीलम उसे तपाक से जवाब देती है कि मोहित अपनी हद में रहो, तुम मुझे परेशान मत करो, अब मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ। जब ऐसी बातें मोहित अपनी प्रेमिका नीलम से सुनता है तो उसकी आत्मा अंदर तक हिल उठती है कि आखिर ये वही लड़की है जिसने कहा था कि आजीवन जिंदगी भर साथ निभाऊंगी और आज ये कैसे बदल गई। फिलहाल मोहित लगातार नीलम के पीछे लगा रहता है कि नीलम आखिर बात क्या हो गई, इस तरीके से क्यों बदल गई, मेरे अंदर ऐसी क्या कमी आ गई जो तुम मुझे छोड़ना चाहती हो। लेकिन नीलम से मोहित जब भी पूछता उसे सीधे मुंह से जवाब नहीं देती थी। अब धीरे धीरे समय गुजरने लगा, मोहित नीलम के पीछे बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगा और समय ऐसा आया जब नीलम ने अपने भाई को फ़ोन किया और फ़ोन करके बताया कि मेरे कॉलेज का एक लड़का है जिसका नाम मोहित है, भैया वो मुझसे छेड़खानी करता है। अपने भाई जो कि पुलिस में बड़ा अधिकारी था उससे जब सारी बातें बताई तो उसमें कुछ मनगढ़ंत बातें भी बताई, यानी कि खूब मिर्च मसाला लगाकर उसने बता दिया। उसके भाई ने पुलिस का दबाव बनाकर मोहित को अरेस्ट करा दिया और फिर कोर्ट में पेश की गई एक मनगढ़ंत लड़की और नीलम। नीलम और उस मनगढ़ंत लड़की ने कहा कि हाँ ये कॉलेज में ऐसे ही करता है, लड़कियों को छेड़खानी करता है। के बाद मोहित को जेल में डाल दिया गया। कुछ दिन कोर्ट का ट्रायल चलने के बाद कोर्ट से मोहित को 3 साल की सजा सुना दी जाती है।
मोहित 3 साल के लिए जेल जा चुका था, इसलिए नीलम के दरवाजे पूरी तरीके से खुल चुके थे। वो जिधर चाहती उधर जाती। अब नीलम अपनी पढ़ाई जारी रखती है और पढ़ाई जारी रखने के दौरान ही वो जब स्कूल आती जाती थी तो स्कूल के सामने ही गेट था, वहाँ का एक बड़ा दुकानदार, उसका एक लड़का जिसका नाम रियाज हुआ करता था, रियाज से वो धीरे धीरे बातें करने लगती है। अब धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदलने लगती है और फिर रियाज के साथ सब कुछ वैसा ही होता है जैसा मोहित के साथ हुआ था। आज और नीलम जब एक दूसरे से शारीरिक संबंध में आते हैं, कुछ ही दिन बाद रियाज और नीलम की दूरियां बन गई थी। अब नीलम रियाज से भी कतराने लगी थी, लेकिन रियाज उस टाइप का लड़का नहीं था जिस टाइप का मोहित था। उसने सिर्फ दिल से मोहब्बत नहीं की थी नीलम से, बल्कि वो अपनी शारीरिक जरूरतों को पूरा करने के लिए नीलम से मोहब्बत करता था। और जब नीलम ने रियाज को उसके मुंह पर मना कर दिया कि देखो अब समाज बहुत भला बुरा कर रहा है, हमारे प्यार की कहानियां बाहर तक जा रही हैं, तब रियाज ने कहा कि ठीक है तुम्हारे रास्ते अलग हैं मेरे रास्ते अलग हैं, और दोनों के रास्ते अलग हो जाते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि जब एक बार किसी के चरित्र का पतन हो जाए और एक बार किसी की आदत गलत हो जाए तो वो आदत उसके मरते दम तक बनी रहती है, आखिरी सांसों तक शायद ही वो आदत चली जाए। अब धीरे धीरे समय गुजरने लगता है और कॉलेज का ही एक प्रोफेसर जिसका नाम महेश होता है, नीलम उसके आगोश में आ चुकी थी। नीलम और महेश का काफ़ी दिन तक संपर्क चलता है, लमसम 2 साल। 2 साल के बाद नीलम को लगता है कि अब ये सारी चीज़ें बहुत ही गलत हो रही हैं, अगर घर वालों को ये सब पता चल गया फिर मेरी पढ़ाई भी जाएगी और पापा की और भैया की जो बदनामी होगी समाज में वो अलग से होगी। और नीलम की सहेलियाँ भी अब नीलम को समझाने लगी थी कि पूरा कॉलेज ये जानता है कि तुम्हारे कई लड़कों से संपर्क रह चुके हैं और तुम्हारे कई लड़कों से संबंध रह चुके हैं, तुम्हारी वजह से ही एक निर्दोष मोहित आज जेल की सलाखों के पीछे है। वो एक दिन जब अपने घर आती है तो बैठकर शाम को आत्म मंथन करती है खाना खाने के बाद कि वाकई में मैं जो कर रही हूँ वो गलत कर रही हूँ, और अब मेरी धीरे धीरे उम्र भी बढ़ रही है और उसके भाई और उसके पिता को भी लग रहा था कि नीलम अब जवान हो गई है, अब उसकी शादी कर देनी चाहिए। अब वो दोनों शादी ढूंढने लगते हैं तो नीलम कहती है कि पिताजी भैया आप मुझसे एक वादा करिए कि मैं जिससे प्यार करती हूँ आप उसी से शादी करने की अनुमति देंगे। तो उसके पिता और भैया कहते हैं कि नीलम देखो ऐसा है कि तुम जहाँ पे तुम्हारी मर्जी हो वहाँ पे शादी करना, बस लड़का अच्छे खानदान का और अमीर और रईस घर का होना चाहिए। वो कहती है ठीक है कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही लड़के से प्यार करूंगी, अभी तो फिलहाल मैं किसी के ऐसे चक्कर में पड़ी नहीं हूँ। अब धीरे धीरे नीलम एक लड़के की तलाश करना शुरू करती है जो कि अच्छे खानदान से हो, अच्छे घर से हो और उसके पास काफ़ी धन दौलत हो। उसकी ये खोज कुछ ही दिन में पूरी हो जाती है, उसे मिल जाता है विकास जो एक सॉफ्टवेयर कंपनी में बतौर इंजीनियर के पद पर कार्यरत था। उसका अपना खुद का छोटा सा उस शहर में एक बंगला था और उसकी माँ थी, घर में सिर्फ 2 सदस्य थे। नीलम जब विकास से मिलती है और धीरे धीरे दोनों की दोस्ती परवान चढ़ती है तो नीलम सोचती है कि मैं जैसा चाह रही थी मुझे वैसा ही पति मिलने वाला है। विकास देखने में भी बहुत सुंदर है और उसकी 5 से 7 लाख रुपए महीने की कमाई है, उसके पास एक छोटा सा बंगला है और उसकी माँ अकेली है, यानी घर में भी रहने वाले कम सदस्य हैं। कहता है कि देखो मेरे मामा बगल में ही रहते हैं, हमारे मामा हमारे पिता के समान हैं, मेरे पिताजी बहुत पहले ही गुजर गए थे तो हमारी परवरिश मेरे मामा ने ही की, हम उनको पिता के समान मांगते हैं और इस शहर में हमारे बहुत सारे रिश्तेदार हैं। तो वो कहती है ठीक है कोई बात नहीं, दोनों की दोस्ती हो जाती है, दोनों एक दूसरे से मिलना शुरू करते हैं और मिलने का सिलसिला नीलम का वही था। से विकास से कहती है कि हम अब तुम्ही से शादी करेंगे, विकास भी कहता है कि तुम अच्छी हो सुंदर हो अच्छा खासा पढ़ाई कर रही हो, तुम्हारे घर में तुम्हारे भाई अधिकारी हैं, तुम्हारे पिता जो है वो रिटायर्ड जज हैं, सब कुछ अच्छा है मैं शादी करूंगा। वो भी आकर्षण में आ जाता है और अब विकास और नीलम लगातार एक दूसरे के संपर्क में 6 महीने से थे। एक दिन नीलम विकास से कहती है विकास मुझे तुमसे मिलना है, तो विकास कहता है कि कहाँ मिलोगी, तो वो कहती है कि होटल में। अब नीलम खुद ही होटल बुक करती है और विकास होटल में पहुंच जाता है। होटल में कमरा बंद होने के बाद दोनों एक दूसरे से हमबिस्तर होते हैं। अब धीरे धीरे ये सिलसिला लगातार चलने लगता है।
अचानक जैसे ही एक दिन विकास अपनी गाड़ी पर बैठा कर नीलम को जा रहा था, नीलम देखती है कि रियाज उसके सामने से गुजर रहा था। अब रियाज जब नीलम को देखता है कि वो फिर किसी लड़के के साथ टहल रही है, तो काफी देर तक नीलम को देखने लगता है। और विकास की नजरें जैसे ही रियाज और नीलम पर पड़ती हैं, विकास कुछ न कुछ अपने मन में सोच बैठता है। नीलम को सीधा उसके घर के बाहर छोड़ता है और सीधा आकर रियाज से मिलता है और रियाज से पूछता है कि तुम, वो मेरी होने वाली पत्नी थी, तुम उसे ऐसे काहे देख रहे थे। तब रियाज नीलम की पूरी हकीकत बता देता है कि नीलम की पूरी हकीकत ये है भाई साहब, वो एक से नहीं, दो से नहीं, बल्कि कई लड़कों से उसके के संबंध रह चुके हैं, वो तो बहुत गंदी लड़की है। अब विकास जब पूरी चीजें रियाज के मुंह से सच्चाई सुनता है, तो उसे एक बार यकीन नहीं होता है कि वाकई में नीलम ऐसी हो सकती है, क्योंकि नीलम भी विकास के ऊपर अपनी जान लुटाती थी। विकास अगले दिन नीलम से पूछता है कि नीलम, तुम्हारे पहले कितने लड़कों के साथ संपर्क रह चुके हैं? तो वो झेप जाती है, वो कहती है, कभी किसी से कोई संपर्क नहीं रहा, तुम ही मेरे पहले जीवन में आए हो और तुम ही लास्ट तक रहोगे। तो विकास कहता है कि देखो, मैं तुम्हारा होने वाला पति हूँ, मुझसे झूठ मत बोलो। लेकिन नीलम बार बार यही कह रही थी कि नहीं, तुम ही पहले हो, तुम ही आखिरी रहोगे। लेकिन उसके चेहरे पर सीधा एक भाव उभर रहा था जो विकास अच्छी तरीके से पढ़ रहा था। विकास उसके चेहरे को देखकर ये समझ जाता है कि कहीं ना कहीं कुछ दाल में काला जरूर है। अब वो धीरे धीरे नीलम से कतराने लगा था और शादी के लिए विकास ने मना कर दिया कि मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा। ने पूरी बातें अपने भाई और अपने पिता को बता दी थी। और जब नीलम ने ये बातें अपने भाई और पिता को बताई कि विकास ने शादी के लिए मना कर दिया है, उसने मेरे साथ बाकायदा शारीरिक संबंध होटल में बनाए, अब वो मना कर रहा है, भाई और पिता विकास के घर पर पहुंच जाते हैं और उसकी माँ के सामने ही उसे खरी खोटी सुनाते हैं। खरी खोटी सुनाने के बाद विकास कहता है कि ठीक है, मैं शादी करूंगा, और वो दबाव में आकर शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। और फिर एक तारीख तय होती है जिस दिन नीलम और विकास की मंगनी होनी थी, और फिर होटल बुक हो जाता है। और आज विकास का इंतजार हो रहा था। विकास जब डॉक्टर डिसिल्वा के साथ आता है, उसको जैसे ही नीलम के भाई और पिता देखते हैं, वो विकास से तुरंत पूछते हैं कि विकास, तुम्हारे मामा और जो शहर में रिश्तेदार रह रहे थे, वो लोग क्यों इस सगाई में नहीं आए? तो वो कहता है कि दरअसल पूरे रिश्तेदारों को, मेरी माँ को पता है कि ये लड़की जिससे मेरी शादी हो रही, उसका चरित्र कैसा है, वो चरित्र की बहुत गंदी है। ये बात मेरे रिश्तेदारों, मेरे मामा जिन्होंने मुझे पालकर बड़ा किया था, मेरी मम्मी, सबको पता चल चुकी है, और वो लोग कह रहे हैं हम ये शादी नहीं करेंगे, हम इस शादी के खिलाफ हैं, ऐसी चरित्रहीन नारी हम अपने घर में बिल्कुल नहीं ला सकते हैं, इसलिए वो लोग नहीं आए। जैसे ये सारी बातें नीलम का भाई जो पुलिस में अधिकारी था सुनता है, वो तपाक से खींच के विकास को एक तमाचा गाल पर मार देता है। वो कहता है, भैया मुझे मार लो, पीट लो, या मुझे मार डालो, मुझे इसका परवाह नहीं है। अगर आपको अपनी बहन की हकीकत जाननी है, तो ये डॉक्टर साहब खड़े हैं डिसिल्वा, जिनके हॉस्पिटल में आपकी बहन नीलम ने एक बार नहीं बल्कि 3 बार लगातार एबॉर्शन करवाया है। अब उसके भाई और पिता जब ये बातें सुनते हैं नीलम के बारे में, तो उनके पांव के नीचे की जमीन खिसक जाती है। वो डॉक्टर से पूछते हैं कि क्या विकास जो कह रहा है वो पूरी तरीके से सही है? तो डॉक्टर डिसिल्वा कहते हैं कि हाँ, विकास जो कह रहा है वो 100% सही है, इसमें कोई झूठ, कोई बनावटी या कोई गलत चीजें नहीं है। ये रही रिकॉर्ड, कब कब ये एडमिट हुई है और इसकी साइन एबॉर्शन के पहले की। वो सारे कागजात को देखते हैं। सारे कागजात को देखने के बाद जब नीलम की तरफ देखते हैं, नीलम अपनी सहेलियों की तरफ देखती है, जितने लोग वहां पे नीलम के पक्ष से आए थे, उनके रिश्तेदार, सब एक एक कर के उस होटल से जाना शुरू करते हैं। नीलम अपनी इतनी भारी बेइज्जती देख कहती है, विकास मैं तुमसे बदला जरूर लूंगी, तुमने मेरी जिंदगी पूरी तरीके से बर्बाद कर दी है। तो वो कहता है कि बर्बाद तो तुमने उसकी कर दी है जो होटल के बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तो वो कहती है, कौन? तो विकास कहता है कि मोहित। दरअसल मोहित मुझसे होटल में आने के पहले ही मिल गया था और उसने अपनी सारी घटनाक्रम मुझे बता दिया था। और मैंने उससे एक क्वेश्चन पूछा था कि क्या अगर नीलम अब भी तुम्हारी बनने को तैयार है तो तुम उसे अपना लोगे? तो उसने कहा था कि छोड़ो ऐसी बातों को, जो बीत गया, जो हो नहीं सकता, उसके बारे में विकास भाई आप मत बात करो, आप उनके होने वाले पति हो, आप शादी करने जा रहे हो, आपकी सगाई होने जा रही है, आप सगाई करो और शादी करो धूमधाम से, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल मैं तुमसे अब शादी नहीं करूंगा और मैं यहां से जा रहा हूं। वहां से वो जाने लगता है।
जैसे ही वो जाने लगता है और नात रिश्तेदार सब जो बचे हुए थे उसके भाई और बाप देखते हैं, नीलम भागी भागी गेट पर जाती है। वहाँ मोहित उसका इंतजार कर रहा था। मोहित जैसे ही नीलम को देखता है कहता है, नीलम क्या हुआ? तो वो कहती है कि दरअसल विकास ने शादी करने के लिए मना कर दिया है। क्या अब तुम मुझसे शादी करोगे? मैं तुमसे अब भी उतना प्यार करती हूँ। वो कहता है कि देखो गिरगिट की तरह रंग मत बदलो, मैं ये जान रहा हूँ कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो, तुम सिर्फ शारीरिक सुख की भूखी हो। तुम आज फिर से दोबारा मुझसे शादी करने के लिए इसलिए तैयार हो गई हो क्योंकि तुम्हारे घर वालों की, तुम्हारे भाई की, तुम्हारे बाप की बदनामी ना हो। लेकिन नीलम अब आके मोहित के पैर में पड़ जाती है। मोहित कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, अगर तुम्हें अपनी भूल का पछतावा है तो मैं तुम्हें स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। फिर नीलम मोहित को लेकर अपने बचे हुए रिश्तेदारों, अपने भाई और अपने पिता के साथ होटल में पहुँचती है और कहती है, ये है मेरा होने वाला दूल्हा। अब मोहित और नीलम की परिवार के बीच में, रिश्तेदारों के बीच में उस होटल में सगाई कर दी जाती है। नीलम मोहित से हाथ जोड़कर कहती है कि मोहित, मैं ईश्वर की सौगंध खा के कहती हूँ कि आज के बाद मुझसे कभी ऐसी गलतियां नहीं होंगी। आपने इस पूरी कहानी में देखा होगा कि एक समय था जब वही लड़की मोहित के लिए गलत साबित हो गई थी, उसके प्यार को ठुकरा दिया था, उसे 3 साल के लिए जेल में डाल दिया था। लेकिन वो शारीरिक प्यार नहीं करता था नीलम से, वो सच्चा प्यार करता था, वो उसे दिल से चाहता था। नीलम थी कि उसका चरित्र पूरी तरीके से भंग हो चुका था। दोस्तों इस पूरी कहानी में जहाँ पर नीलम एक तरफ पूरी तरीके से जिम्मेदार थी अपने चरित्र का हनन करने में, वहीं पर जिम्मेदार रियाज भी था, वहीं पर जिम्मेदार प्रोफेसर महेश भी था। आखिर अगर ये पुरुष होकर एक स्त्री के साथ अपना संबंध ना बनाते तो स्त्री उनसे जबरदस्ती संबंध ना बनाती, दोनों आधे आधे के भागीदार थे। जहां एक इस पूरी कहानी में एक तरफ एक स्त्री का चरित्र हनन हुआ था, सोचने वाली एक बात और है कि यहाँ पर एक स्त्री के ही चरित्र का हनन नहीं हुआ था बल्कि कई पुरुषों के चरित्र का भी हनन हुआ था। फिलहाल आपका पूरी कहानी के बारे में क्या कहना है और आप पूरी कहानी कहाँ से देख रहे थे और आपको पूरी कहानी कैसी लगी, आप अपने दिल की राय कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। अब शुरू करते हैं उन लोगों के नाम जिन लोगों ने पिछली वीडियो में अपना प्यार और आशीर्वाद हमें प्रदान किया था। उन लोगों के नाम हैं मांगीलाल जोधपुर राजस्थान से, सत्यप्रकाश हैं, लल्लन सिंह हैं, लाल मोहम्मद हैं, पप्पू मंडल हैं सोनीपत हरियाणा से, रंजीत सिंह हैं कन्नौज से, मोहित जी हैं, रोहित कुमार यादव ट्रेडर हैं, रामचरण अहिरवार हैं, आशीष विश्वकर्मा हैं, विजयपाल सिंह भदौरिया हैं, क्षत्रिय महासभा मंडलीय संगठन मंत्री गंगापुर आजाद नगर से, राज सिंह हैं सीतापुर उत्तर प्रदेश से, आजाद सिंह हैं झांसी सीहोर मध्य प्रदेश से जो कि प्राचार्य हैं एक स्कूल के, सरोज रानी हैं सहारनपुर से, अजीत मिश्रा हैं गुड़गांव से और नोएडा से हैं अजय मिश्रा और विजय मिश्रा जिनका प्यार और आशीर्वाद हमेशा हमें मिलता रहता है। उम्मीद ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि ये कहानी आपको समझ में आई होगी, कहानी अच्छी लगी होगी। तो आज की कहानी की सीख ये है कि हमें किसी भी परिस्थिति में कभी भी अपने चरित्र से समझौता नहीं करना चाहिए क्योंकि धन दौलत पैसा कौड़ी सब कुछ आप अपने जीवन में होने के बाद, खत्म होने के बाद वापस ला सकते हैं। लेकिन अगर किसी स्त्री या पुरुष का चरित्र का हनन हो जाता है तो आपके आखिरी सांस तक वापस नहीं आ सकता है। एक नई कहानी के साथ आपको जल्द ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।